नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को विश्वास मत साबित करने के लिए झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय स्पेशल सत्र 5 फरवरी यानी कल बुलाया गया। इससे पहले जेएमएम विधायक लोबिन हेब्रोम ने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की। इसके बाद चंपई सोरेन सरकार को सशर्त समर्थन देने पर सहमति जताई। उन्होंने विश्वास मत के दौरान समर्थन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सीएनटी एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग है। आदिवासियों की जमीनों को मुक्त कराने को कहा है जो हड़प ली गई है। इस प्रकार से कई मुद्दे हैं जिसको लेकर शर्त रखने का काम किए। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो शपथ लिया है, तो मैं खुश हूँ और बाय तहे दिल से इनको मैं समर्थन दे रहा हूँ, दूंगा कल। लेकिन इस नई सरकार में मेरा कुछ ऐसा मुद्दा है जो हम शुरू से यहाँ सदन के अंदर बोलते रहे। सबसे पहले तो ये झारखंड सरकार पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा जो छत्तीसगढ़ का शराब मॉडल शराब बेचने का काम इन्होंने शुरू किया, और उस दिन मैंने विधानसभा के अंदर में इसका विरोध किया था गुरुजी के सम्मान में, और सदन से बाहर भी हमने इस बात को रखा कि हमारे माननीय गुरुजी सारे मजहब के लोगों को हर जगह नसीहत देते रहे हैं कि शराब से थोड़ा दूर रहा करो, लेकिन ये सरकार ने नहीं माना। और आज मैं इस नई सरकार में, माननीय चंपई सोरेन जी की सरकार में, मैं इनसे भी आग्रह करता हूँ, ये मेरा एक मुद्दा है कि आप जितना जल्द हो यहाँ शराब बिक्री नहीं हो, नशाबंदी इसको लागू करें।